तो ये हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी किसे बोलते हैं। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह अगर म्यू एम बाय म्यू नॉट, इसे हम क्या बोलते हैं, म्यू आर, रिलेटिव परमिएबिलिटीज के इक्वल है। ये पहली डेफिनेशन थी। फिर उसके बाद एक और डेफिनेशन थी म्यू आर की, लिखवाई थी मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन वैक्यूम, इसको भी म्यू आर बोलते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन थी वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स की थी या मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी की थी, इसका सिंबल क्या था, एच। मैग्नेटाइजिंग फोर्स या इंटेंसिटी को एच बोलते हैं। और मैंने बताया था बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, में एन इंटू आई के प्रोडक्ट को क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, एच। ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स है। तो मेरा एच का फॉर्मूला क्या बनता है, एन इंटू आई। तो एच का फॉर्मूला एन इंटू आई, और ये बता दिया गया था एन इंटू आई में एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई फॉर एम्पियर। तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर अपॉन मीटर इसके एच का फॉर्मूला है, इसके यूनिट्स हैं। तो एच का फॉर्मूला याद रहेगा एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट, एच है। फिर हमने डिस्कस किया था आई। आई का मतलब सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय टर्म आई। तो एच का मतलब है हमने कितना फील्ड दिया, आई का मतलब है सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ। ये एच और आई का डिफरेंस है। और वैसे बता दूं एच का मतलब है एच के जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, एम्पियर पर मीटर। और अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है आई के यूनिट्स भी क्या थे, एम्पियर पर मीटर, याद रहे, ये भूलना नहीं है, एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर, एच और आई के यूनिट सेम है। अब एच नॉर्मली कब यूज करते हैं, जो बी होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन आई, एन इंटू आई को एच बोलते हैं। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच, ये लो। तो ये फॉर्मूला मैंने करवाया था किसी भी सोलेनोइड के लिए, बी का फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट इंटू एच। तो सोलेनोइड ने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, वो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट इंटू एच जनरेट किया। और सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ, एक आयरन का पीस है, एक लोहे का पीस मैग्नेटाइज हो गया, तो उसमें आई डेवलप हो गया। जितना आई डेवलप हुआ सब्सटेंस उतना ही मैग्नेटाइज हो गया, ये पता होना चाहिए। अब सब्सटेंस जब आई मैग्नेटाइज हुआ तो सब्सटेंस ने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब ये लोहा नहीं रहा, अब ये मैग्नेट बन गया। क्योंकि अगर ये मैग्नेटाइज हो गया और इसकी आई की वैल्यू डेवलप हो गई, इसका मतलब ये भी मैग्नेट है, और मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में कितना लगाएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए म्यू नॉट को आई से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब आप एच से मल्टीप्लाई करते हो तो टेस्ला आता है, और एच और आई के यूनिट्स सेम है, तो जब आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो भी टेस्ला आएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, क्योंकि एच और आई के यूनिट सेम है, तो म्यू नॉट इंटू एच अगर टेस्ला है तो म्यू नॉट इंटू आई भी टेस्ला है। फर्क ये है कि म्यू नॉट इंटू एच का मतलब हमने कितना फील्ड दिया सब्सटेंस को मैग्नेट बनाने के लिए, और आई का मतलब है, म्यू नॉट इंटू आई का मतलब जब सब्सटेंस मैग्नेट बन गया तो उसने कितना फील्ड जनरेट किया आफ्टर बिकमिंग अ मैग्नेट। तो ये ऐसे यूज किया जाता है, म्यू नॉट इनटू एच, म्यू नॉट इनटू वाई। अब यहां से हमने शुरू करना है।